नमस्कार दोस्तों, चलिए आज बढ़ते हैं KVS केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म, क्योंकि फर्स्ट क्लास से होता है, आ चुका है, तो हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ जो साल मांगी गई है, 1 से 6 वर्ष मांगी गई है, और मैक्सिमम जो है 8 साल तक होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 से 6 वर्ष पास फर्स्ट क्लास मांग रहा है, मैक्सिमम जो 8 साल तक हो सकता है, इससे ज़्यादा का एडमिशन नहीं होगा। इस फॉर्म को भरने के लिए आपका जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का एक फ़ोटो होना आवश्यक है, ब्लड ग्रुप का पता होना भी ज़रूरी है। ब्लड ग्रुप का पता आप करवा सकते हो किसी भी लैब से, 50 रुपये खर्चा आता है उसमें, ब्लड ग्रुप आपको पता चल जाएगा बच्चे का। यहाँ पे आप ईमेल आईडी वगैरह भर दीजिए बच्चे का, जो भी ईमेल आईडी हो, माँ बाप किसी की भी कर सकते हैं आप इसमें। मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। कैप्चा कोड डालने के बाद रजिस्ट्रेशन कर देंगे यहाँ पर, मोबाइल पर OTP आएगा, उसको भर देंगे। इससे कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। OTP डालने के बाद कैप्चा कोड डालना होगा, ये नीचे आ रहा है, वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमारा OTP आ गया है, कैप्चा कोड डालेंगे। इस तरह से हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे, देखो हमारा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो गया है। ये लॉगिन कोड में जो कोड आ रहा है, उस कोड की मदद से और डेट ऑफ बर्थ की मदद से हम लोग लॉगिन करेंगे और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे। अभी नेक्स्ट हम लॉगिन पर जाएंगे। ये हमारा लॉगिन आ गया है, यहाँ पर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डाल के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करेंगे। यहाँ पे अपना मेल या फीमेल जो बच्चा कैटेगरी में आता है, लड़का या लड़की हो, तो जेंडर सेलेक्ट करके यहाँ पे उसका कैटेगरी SC ST OBC जो भी हो, वो ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करके वेरीफाई क्लिक कर देंगे, यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे मदर की डिटेल भर देंगे और बगल में फादर की डिटेल है वो भी भर देंगे। जैसे मदर फादर दोनों की डिटेल भर देंगे। अगर आप मोबाइल नंबर उनका डालना चाहें तो डाल दें, उसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, फिर भी आप भर दीजिए। अब यहाँ पे एड्रेस भर देंगे हम लोग, यहाँ पिन कोड, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना हो तो डालनी जरूरी नहीं है, ऐसी सेम पाला डिटेल भरनी है। यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे,
प्रदेश। नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अपना केंद्रीय विद्यालय जिस जगह एडमिशन लेना हो वहाँ का प्रदेश और अपना केंद्रीय विद्यालय चूज कर लेंगे। फादर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, नॉट अप्लील कर देंगे क्योंकि यहाँ पे फादर वगैरह अगर आपके गवर्नमेंट सर्विस में है तो उस कैटेगरी के लिए चूज किया जाता है, तो जो पर्सन नॉट सर्विस में नहीं है उसमें नॉट अप्लील कर देंगे, और जिनके फादर अब सर्विस करते हैं तो उसकी कैटेगरी पर ड्रॉप डाउन में जो लिस्ट में आ रही है इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र फोटो अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपका प्रीव्यू आएगा, रिव्यू आने के बाद आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे और आपका प्रिंट आउट निकल आएगा। इस तरह से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।